हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आप सभी का करंट अफेयर के इस कोर्स में, जहां पर आज हम लोग इस वीडियो में 20 जुलाई 2019 के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, आज के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि वीडियो डिले हो गया है, लेकिन ये 20 जुलाई के करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रीथु गुप्ता हैज बिकम द इंडिया 64th ग्रैंड मास्टर, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। ये है प्रीथु गुप्ता, अभी हाल ही में ये भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस खेलते हैं ये, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं प्रीथु गुप्ता। ओके, मात्र 15 साल के हैं ये, 15 ईयर ओल्ड प्रीथु गुप्ता हैज बिकम द ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? ये हैं विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद को एक टाइटल भी मिला हुआ है, इनको एनलाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? एनलाइटनिंग किंग, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर एनलाइटनिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं, और पृथ्वी गुप्ता कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया किस दिन? तो ध्यान रखिए, हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम लोग मनाते हैं 18 जुलाई को। ये एक तरीके से नेल्सन मंडेला को ट्रिब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड परामर्श स्कीम। ये परामर्श स्कीम अभी हाल ही में कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो आपको ध्यान रखना है, परामर्श स्कीम लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने परामर्श स्कीम लॉन्च करी है। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है? ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल। ओके, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब ये स्कीम है क्या बेसिकली? देखो, इस स्कीम के तहत एक काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है नैक। नैक का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। इनका काम ये होगा कि भारत जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उस हायर एजुकेशन की क्वालिटी एश्योरेंस को मॉनिटर करना। मतलब एक बार फिर से समझिए, भारत जो हायर एजुकेशन दे रहा है, तो आसपास के जैसे हमारे कंट्री हैं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं भारत में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको क्या क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है उसको मेंटेन रहना चाहिए। उस क्वालिटी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसकी क्वालिटी तो कम नहीं हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर मॉनिटर करना नैक का काम है, ठीक है। तो ये परामर्श स्कीम के तहत ये पॉलिसी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द 21st एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019। अभी हाल ही में खत्म हुई है, 21वां एडिशन खत्म हुआ है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का। इसमें कौन सा कंट्री जीता? तो ध्यान रखिए, 21वां एडिशन कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जीता है भारत, हमारा प्यारा भारत। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और इसका वेन्यू क्या था? ये हुआ उड़ीसा के कटक में, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। और ये कब से कब तक था? ये 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक था। 22 जुलाई आज ही है, मतलब ये आज ही खत्म हुआ है। ओके, और फाइनल में इंडिया ने हराया किसको? सिंगापुर को। इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, जापान की कैपिटल टोक्यो, और चाइना की कैपिटल बीजिंग। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए, चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है, ठीक है। और चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हैज बिकम द वोटिंग मेंबर ऑफ बीसीसीआई। अभी हाल ही में बीसीसीआई का वोटिंग मेंबर ये कौन सा स्टेट का क्रिकेट एसोसिएशन बना है? ये बना है पौंडीचेरी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पौंडीचेरी इससे पहले क्रिकेट नहीं खेल सकता था, बीसीसीआई ने पौंडीचेरी को खेलने के लिए अप्रूवल दिया था अक्टूबर 2018 में। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अक्टूबर 2018 में पौंडीचेरी रणजी ट्रॉफी और भी जो बीसीसीआई की तरफ से टूर्नामेंट होते हैं, उन सभी को खेलने के लिए एलिजिबल हो गया था। लेकिन पौंडीचेरी अभी तक वोटिंग मेंबर नहीं बना था, मतलब बीसीसीआई की कोई भी एसोसिएशन है तो उसमें वोट नहीं कर सकता था पौंडीचेरी, लेकिन अब ये वोटिंग मेंबर भी बन गया है। तो पौंडीचेरी अब वोटिंग मेंबर बनने के साथ साथ यहां पर वोटिंग भी कर पाएगा बीसीसीआई के किसी भी पैनल में। ओके, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर क्या है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट, अच्छा यहाँ पर एक और बात करी हम लोगों ने, पांडिचेरी की तो बात कर ली, पांडिचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है? पांडिचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं
वी नारायणा सामी, क्या नाम है? वी नारायणा सामी। ओके। और त्रिपुरा में सरकार किसकी है? त्रिपुरा में सरकार है बिप्लाब कुमार देब की। सिक्किम में अभी नई सरकार आई है पीएस तमांग की, प्रेम सिंह तमांग। और गुजरात में सरकार है विजय रूपानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग डूरंड कप 2019। पहले तो ये जान लो डूरंड कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। डूरंड कप फुटबॉल में खेला जाता है, ठीक है? तो अब ये डूरंड कप 2019 कौन सा स्टेट हमारा होस्ट कर रहा है? डूरंड कप 2019 होगा वेस्ट बंगाल में। ओके। और वेस्ट बंगाल के कई सारे स्टेडियम्स इसको होस्ट करेंगे, जैसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम है यहाँ पर, मोहन बागान स्टेडियम है, कल्याणी स्टेडियम है, सिलीगुड़ी स्टेडियम है। इन सभी स्टेडियम्स में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। डूरंड कप कब से स्टार्टेड है? तो आपको ध्यान रखना है डूरंड कप 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? 23 अगस्त तक ये चलेगा। तो बस डूरंड कप एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला है, लगभग 10 दिन बाद। और वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ प्रोग्राम एल्गोरिदम नेम्ड एज रामानुजम मशीन। आपसे पूछ रहा है कि एक कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम एल्गोरिदम बनाई है और उसका नाम रखा है रामानुजम मशीन। तो ये कंट्री है इसराइल। अब देखो, इसराइल ने ये जो एल्गोरिदम बनाई है, ये एल्गोरिदम काफी स्मार्ट एल्गोरिदम है। ओके। ये हम प्रोग्राम एल्गोरिदम क्यों बनाते हैं? अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये एल्गोरिदम इसीलिए बनाई गई है। इस एल्गोरिदम ये एल्गोरिदम इतनी स्मार्ट है कि भारतीय मैथमेटिशियन रामानुजम के नाम पर इसका नाम रखा गया है, रामानुजम मशीन। तो भारत के लिए एक बार फिर से प्राइड मोमेंट, जो कि क्रिएट हुआ इसराइल के साइंटिस्टों के थ्रू। ओके। तो और इसराइल की कैपिटल क्या है? इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। भारत की कैपिटल आपको पता ही है, और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है इसराइल। इसराइल ने रामानुजम मशीन बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड दिशारंभ प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में दिशारंभ प्रोग्राम लॉन्च किया है नई दिल्ली में? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के मिनिस्टर अभी अभी मैंने आपको बताया था ये कौन है, ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने नई दिल्ली में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है दिशारंभ। अब ये दीक्षारंभ प्रोग्राम का मतलब क्या है? दीक्षारंभ प्रोग्राम इसलिए नई दिल्ली में चलाया गया है कि यहाँ पर जैसे कि अभी जुलाई में नया सेशन स्टार्ट हुआ है हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो इसके तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, उनका सही से कोऑर्डिनेशन हो पाए सीनियर्स के साथ और उनके टीचर्स के साथ। साथ ही में इन्हीं चीजों का भी ध्यान रखा जाए कि रैगिंग ना हो, वायलेंस ना हो, ये सारी चीजें, पीस और लव एंड कोऑर्डिनेशन के साथ सारे पैरामीटर्स और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे कैंपस चलें, ठीक है? सो ये बेसिकली इसके पीछे मोटो है जिसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। तो ध्यान रखिएगा, नाम मत भूलिएगा, दीक्षारंभ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट, क्या बोला मैंने? मोतिहारी और अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दिस पाइपलाइन इज कनेक्टेड बिटवीन, ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है, ये पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी से लेकर कहां तक जा रही है? अमलेखगंज तक। अभी अमलेखगंज कहां पर है? अमलेखगंज है नेपाल में, ठीक है, और मोतिहारी है भारत के बिहार में, ठीक है? तो ये पाइपलाइन किसको कनेक्ट कर रही है? भारत और नेपाल को कनेक्ट कर रही है, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, भारत और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आईसीसी हैज सस्पेंडेड विच कंट्रीज क्रिकेट फेडरेशन। आईसीसी ने अभी हाल ही में किस कंट्री के क्रिकेट फेडरेशन को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया? आईसीसी ने जिम्बाब्वे के क्रिकेट फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। ये इस वजह से सस्पेंड किया है कि जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट बोर्ड है, ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाया, जिसकी वजह से आईसीसी के जो रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका वायलेशन हो गया। आईसीसी का कहना है कि ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब जिम्बाब्वे का तो क्रिकेट फेडरेशन है, उसमें जिम्बाब्वे की सरकार का दखल चल रहा है, तो जो कि स्वीकृत नहीं है, जो कि मान्य नहीं है, इस वजह से जिम्बाब्वे की मेंबरशिप पूरी तरीके से खत्म कर दी है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आईसीसी किसी भी तरीके से अब जिम्बाब्वे को फंडिंग नहीं करेगा, साथ ही में
जिम्बाब्वे एलिजिबल नहीं है आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट को खेलने के लिए। ओके, तो जिम्बाब्वे को ये बहुत बड़ा झटका लगा है आईसीसी की तरफ से। और आईसीसी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग अन अकेडमी में प्लस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता दूं 16 अगस्त से मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। ये फुल क्रैश कोर्स रहेगा जीएस का और करंट अफेयर का 2019 एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप अन अकेडमी में प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी करना चाहते हैं, तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं varun.avasthi90s-8150। इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। सी यू टुमारो।